सारे रोड खुले हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, आप इजीली बाटा कोनी तक जा सकते हैं। और आज 6 नवंबर है, ये मज़ीद 10 से 15 दिन रोड खुला रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, इंद्रियाज विलियम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज है 6 नवंबर और टाइम है रात के 2 बजे का, और मैं मौजूद हूँ नारायण में। आप देख सकते हैं स्नोफॉल हो रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी के ऊपर तकरीबन 2-2 इंच स्नोफॉल है, आप देख सकते हैं। वाओ, अमेजिंग। तो मेरे साथ रहिएगा, सुबह आपसे मुलाकात होती है मॉर्निंग में, आपसे अच्छे अच्छे व्यूज शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा रोड कंडीशन कैसी है और कितने स्नोफॉल हुई है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, इंद्रियाज विलियम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और अभी टाइम है सुबह के 7 बजे का, और मैं बैठा हूँ तो चेक करते बार के क्या सीन है। सारी रात बारिश होती रही है, स्नोफॉल तो नहीं हुआ मगर बारिश होती रही है। ठंड बहुत ज़्यादा थी और नींद बिल्कुल नहीं आई। वाह, मैं आपसे बाहर के व्यू शेयर करता हूँ। वाह, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मौसम है, लाइट लाइट बारिश हो रही है और वेदर क्लियर हो रहा है, स्नोफॉल के चांस कम हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, रात को स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुई है, मेरे साथ रहिएगा, हम अपने सफ़र को अगर कंटिन्यू करते हैं, हम फ्रेश होते हैं, और तब तक आप ये ड्रोन शॉट देखिए। सो गाइस, अभी हम फ्रेश हो गए हैं और चेंज भी कर लिया है, तो अभी हम सबसे पहले नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं हम बाटा कुंडी की तरफ। बारिश हो रही है और उम्मीद है वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा होगा, तो चलते हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर माइनस में आई थिंक होगा। वाओ, रात को इन गाड़ियों के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, अब मगर मुसलसल बारिश हो रही है जिसकी वजह से ये स्नोफॉल पिघलती जा रही है, मगर आज शाम को कहते हैं हैवी स्नोफॉल है। तो मेरे साथ रहिएगा, ये हमारी गाड़ी बिल्कुल तैयार है, ये आल्टो। तो अभी हम गाड़ी में बैठते हैं और आपको फिर अच्छे अच्छे व्यूज़ खाते हैं। सो गाइस, अभी हमने सिर्फ नारायण से तकरीबन 6 किलोमीटर की ड्राइव की है, और ये वाटरफॉल आया है। शायद मेरे कैमरे में आपको ये क्लियर नज़र आ रही हो, मगर अभी हम इसके ड्रोन शॉट लेते हैं और
उसमें ये व्यू बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। तो अक्सर गर्मियों में जून जुलाई में यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, मगर अभी 6 नवंबर है इसलिए यहाँ पर रश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सुकून है, कोई गाड़ी नहीं है हमारे अलावा, आप देख सकते हैं। अभी तकरीबन कल स्नोफॉल है और उसके बाद ब्राइट डे है, अगर कोई 6 नवंबर के दिनों में नारायण आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है, हर किस्म की ट्रैफिक के लिए नारायण खुला है। ये वाटरफॉल बहुत ज़्यादा प्यारा है। सो गाइस, फाइनली हम बाटाकुंडी पहुंच गए हैं और ये लास्ट स्टॉप है, इससे आगे रास्ते बंद हैं आप देख सकते हैं, और धूप निकल आई है, मौसम अच्छा हो गया है और ठंड की शिद्दत में भी कमी आ गई है। ये लास्ट पॉइंट है, ये आर्मी की चेक पोस्ट है, आप देख सकते हैं, मगर स्नो बहुत ज़्यादा थी और रात को बारिश हुई जिसकी वजह से स्नो काफ़ी पिघल गई है, देख सकते हैं। ये लास्ट बंद किया उन्होंने रस्ते यहाँ से, यहाँ देखें सो गाइस, अभी हम निकलते हैं वापस नारायण के लिए, क्योंकि बाटाकंडी में चेक पोस्ट लगी है, रास्ते बंद किए हुए हैं और उससे आगे जाने नहीं दे रहे हैं, मैं साथ रहिएगा, हम चलते हैं नारायण वापस और आपसे शेयर करते हैं ये बाटाकुंडी के खूबसूरत नज़ारे। सो गाइस, अपने इस व्लॉग को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नारायण में हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, स्नोफॉल भी देखी, बारिश भी देखी और नारायण के सारे रोड खुले हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, आप इजीली बाटाकुंडी तक जा सकते हैं, और आज 6 नवंबर है, ये मज़ीद 10 से 15 दिन रोड खुला रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय।